लेकर हाजिर हो गए हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हिंदुस्तान हिंदुस्तान की सरजमी पे इस वक्त माह मुहर्रम चल रहा है और हर गली हर शहर हर विलेज हर इलाके में या हुसैन या हुसैन या हुसैन की सदाएं हैं। कहीं शिया मसलक के लोग तो कहीं सुन्नी मसलक के लोग कहीं हिंदू भाई हमारे कहीं सिख धर्म के लोग अपने अपने एतबार से इमाम हुसैन को कोई भगवान हुसैन कहता है कोई देवता हुसैन कहता है और इस तरह से इस सरजमी से इमाम हुसैन का ताल्लुक बहुत ही ज्यादा मजबूत हो गया है जिसे कोई खत्म नहीं कर सकता है। और इस सरजमी पे हिंदुस्तान की धरती जहां हम हैं यहां बहुत से साधु संत ऋषि मुनि सूफी गुजरे हैं और हर एक के यहाँ अगर डीपली आप देखें तो आपको कहीं ना कहीं पंजतन पाक अलैहिस्सलाम अहले बैत अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन की ज़ाते ग्रामी जरूर जरूर मिलेगी। उसमें से हम आज जिक्र थोड़ा सा करना चाहते हैं साईं बाबा का। साईं बाबा जो शिरडी के हैं और हमने उनका डीपली मुतालिया किया तो हमें तीन चीजें उनकी बड़ी अहम मिल रही हैं और वह है पंजतन। उनकी जीवनी में उनकी सरगुजश्त में उनकी सवाने हयात में हमें मिलता है कि वो पंज पीर का नाम लिया करते थे और जहां पर उन्होंने तपस्या की थी जहां पर उन्होंने त्याग दिया था जहां पे वो रूहानियत और आत्मा से संघर्ष कर रहे थे उस तहखाने में भी आप देखिए तो पांच चराग जल रहे हैं। ये पांच चराग क्यों जल रहे हैं और जहां पर उन्होंने अपना आस्ताना बना रखा था जिसे लोग मस्जिद कहते हैं वहां जब भी कोई आता था और अपनी मुरादों के लिए कहता था तो कहते थे पांच चराग वहां पे जला दो। ये पांच चराग किसके हैं और पंज पीर कौन है ये आप खिदमत में नाजिर हैं। अर्ज करें कि आदम से लेकर के आज तक और कयामत तक हर सूफी हर संत हर रूहानी शख्स पंजतन के करीब आता है और फिर उसी को कभी वो चराग की शक्ल में कभी नूर की शक्ल में कभी रोशनी की शक्ल में कभी जिया की शक्ल में और कभी पंजतन की शक्ल में कभी पंज पीर की शक्ल में वो याद करता है। हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं साईं बाबा किस पंज पीर का जिक्र कर रहे हैं और किन पांच के चराग को जला रहे हैं। के साथ साथ हमारे इसी सरजमी पे आर्या समाज के लोग हैं जो महर्षि सरस्वती जी की बनाई हुई आर्या समाज और जिसमें स्वामी अग्निवेश जी हैं और वो किस तरह से इमाम आली मकाम का जिक्र कर रहे हैं उनकी कुर्बानी उनके बलिदान और उनकी शहादत का जिक्र कर रहे हैं आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और स्वामी अग्निवेश जी इमाम हुसैन की शख्सियत हम सब के लिए मानवता के लिए एक वरदान है। उनसे हमें जो इंस्पिरेशन मिलता है कि रेजिस्ट करना है जो यजीदियत है कहीं भी दुनिया में किसी भी वक्त हमारे आंखों के सामने कोई यजीद आज के ज़माने का यजीद और अय्याशी कर रहा है दरिंदगी कर रहा है तो उसको हमें कबूल नहीं करना उसको बैयत नहीं देनी है उसको किसी तरीके से स्वीकार नहीं करना है बल्कि उसका मुकाबला करना है नॉन वायलेंटली करना है चाहे ज़िंदगी चली जाए चाहे हमारा पूरा कुनबा ख़त्म हो जाए लेकिन हमें लड़ना है। यदि हम नहीं लड़ते हैं और उसके सामने झुकते हैं
तो इसका मतलब है कि हम इंसानियत से दूर जा रहे हैं। इंसानियत का तकाजा है कि हम हुसैनियत के रास्ते पर चलें और यजीदियत से लड़ें। और यही पैगाम जो 1400 साल से दिया जा रहा है, मैं चाहता हूं कि सारे दुनिया के लोग, ये सवाल केवल शियाओं के लिए नहीं है, हुसैन इमाम हुसैन का पैगाम पूरी इंसानियत के लिए है। और इसकी मैं कदर करता हूं और मैं समझता हूं कि इस रास्ते से ही हम बेहतर दुनिया बना सकते हैं। शिया ऑफ इंडिया, बेहतर कल की कोशिश, जो आर्या समाज के हैं और सनातन धर्म के लोगों में भी हमने देखा, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से उनकी बड़ी गहरी अकीदत है। और यहाँ स्वामी सारंग हैं, तो दुबे जी महाराज हैं, जिन्होंने अपने घरों में इमाम बाड़े बना रखे हैं। इमाम हुसैन की आमद, इमाम हुसैन का वेलकम करते हैं। मुहर्रम का चांद निकलते ही वो इमाम बारगाहों को सजाते हैं, अलम को सजाते हैं, पटके को सजाते हैं, और नजर व नियाज और प्रसाद और तबरुक का अहतमाम करते हैं, और मातम भी करते हैं और नवाखानी भी करते हैं। हिंद की सरजमीन पे बहुत से अंजुमन हैं, जिन अंजुमनों में हमारे बहुत से नवाखान हैं, जो हिंदू हैं, पंडित हैं, यादव हैं, वो नवाखानी करते हैं, सीनाजनी करते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ाते ग्रामी ये किसी मजहब व मसलक में कैद नहीं हो सकती है, बल्कि ये जहां कहीं भी इंसान है, जहां कहीं भी मानवता है, जहां कहीं भी आदमी है, वहां इमाम हुसैन जरूर जरूर आपको मिल जाएंगे। सीना दर सीना करे बस ये आजादारी सफर। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को वही दर्जा देते जो अपने भगवानों को देता है, मतलब हमारे नज़र में इमाम हुसैन भगवान ही है। जैसे हम अपने भगवानों को मानते हैं, वैसे इमाम हुसैन को मानते हैं। हम तो बस गुलाम हैं उनके, बस यहाँ की नौकरी चाकरी कर रहे हैं और नौकरी चाकरी करते रहेंगे। इस बात का हम शुक्र गुजार मानते हैं अपने बुजुर्गों को, अपने बुजुर्गों का, जिन्होंने ये दौलत हमें 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 विरासत में देके जा रहे हैं। शुरुआत हुई है इस बामबाड़े में जो है, मतलब माता मंगलिश की, वो हमारे दादा और परदादा से चली जा रही है। पहले हमारे दादा जो प्यारे लाल, राजा राम और छिद्दन, ये तीन हमारे दादा ही आपस में भाई भाई थे, और इन्हीं तीनों ने जो है इमामबाड़े की पहली नींव रखी। और फिर आप जो है प्यारे लाल जो है ताज़िया बनाते थे 6 साल भर, और उनकी ताज़िया जो है लखनऊ में काफ़ी मशहूर थी। जो हमारे दादा थे राजा राम, वो साज़े ब्यास थे, और जो छिद्दन हैं उन्हीं की जगह पर ये इमामबाड़ा जो है तामीर हुआ है। बाद हमारे दादा के मेरे वालिद महेश चंद भारती, उन्होंने जो है माता मजलिस की शुरुआत की, और फिर उन उसके बाद उसी सिलसिले से फिर हमें हम तक जो है ये मातमदारी और जो है नवाखानी को पहुँची। हम है हिंदू पर मोहब्बत है शरे अबरार से, हिंदू ने मानवता की रख ली आबरू मौला हुसैन, तूने मानवता की रख ली आबरू मौला। ये ऊपर से कुछ लोग ले के आते हैं, ये सबको सबको नहीं आता होती है। ये कोई सोसाइटी की मेंबरशिप नहीं है, ये कोई फाउंडेशन नहीं है, ये कह लीजिए कि मैं इस मकाम पर निगाहबंदी का एक शेर पढ़ करके आपकी जहमत तमाम करता हूँ। दुनिया न ये होगी मगर इस्लाम रहेगा, दुनिया न ये होगी मगर इस्लाम रहेगा, शब्बीर बहरहाल।
तेरा नाम रहेगा। तो हजरत को आज बस इतना ही, कल फिर हम हाजिर होंगे नई डिस्कवरी, नई तलाश, नई जस्तजू के साथ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। खुदा हाफिज़। फी अमानिल्लाह।